हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे बल्कि टेक टॉक्स पे। आपको हम आज जानकारी देंगे कि पबजी बैन क्यों होगा। पहले पीसी पे चलता था ये गेम और इस गेम को जो है चाइनीज कंपनी ने जो मोबाइल वर्जन पे लाया, लॉन्च किया, तो ये 2018 में टेंसेंट ने पबजी को मोबाइल पर रिलीज कर दिया और देखते ही देखते भारत सहित कई देशों में ये हिट हो गया। पबजी कंप्यूटर के साथ ही मोबाइल पर भी नंबर वन हो गया। क्या बच्चे और क्या बूढ़े सब इसमें लग गए। तो दोस्तों, पबजी का चस्का ऐसा लगा कि मतलब देश भर में ये खूब चला और सब कुछ खबरें वगैरह सब कुछ भूल गए और बाकी देश की समस्या भी भूल गए। तो लोग इतने दीवाने हो गए, इसकी दीवानगी ने कई समस्या भी खड़ी कर दी, पर इस पर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी बात यह है कि मतलब पबजी गेम जो है, वैसे दक्षिण कोरियाई कंपनी पबजी कॉरपोरेशन का है। पबजी कॉरपोरेशन जो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, इसका है। वैसे ओरिजिनल गेम ये पूरा इसका है, पर इसका जो है पीसी वर्जन पर यह दक्षिण कोरिया है। जो अपन पीसी पर अगर ओपन करते हैं गेम को, पबजी को, तो जैसे ही हम पीसी पे ओपन करते हैं तो पीसी पे हमें लिखा मिलता है पबजी कॉरपोरेशन, और जैसे ही हम मोबाइल में ऑन करते हैं इसको तो सबसे पहले आता है टेंसेंट गेम, फिर बाद में आता है नीचे का पबजी कॉरपोरेशन। तो समझे दोस्तों, ये मोबाइल में इस पबजी टेंसेंट जो है, टेंसेंट गेम का नाम पहले आता है और इसी ने लॉन्च किया था पबजी मोबाइल को। तो ये चाइना की है पूरी तरह से, ये कंपनी चाइना की है और यही जो है इसमें जो बाधा बनी हुई है। इसके बैन होने का जो असल कारण टेंसेंट गेम्स कंपनी है। तो दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर में करीबन 10 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं पबजी को, 10 करोड़ से ज़्यादा ही डाउनलोड कर, कुल मिलाकर ये गेम करीब 60 करोड़ बार डाउनलोड हुआ है और इससे भी ज़्यादा डाउनलोड हुआ है। चाइना की कंपनी होने के कारण भारत में ये बैन हो सकता है, टेंसेंट की वजह से ये पूरा गेम बैन हो सकता है, पर जो पबजी पीसी है वो बैन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दक्षिण कोरिया की पूरी तरह से टेक ओवर जो है गेम है, और इसमें जो है इसका मोबाइल वर्जन जो है पूरा का पूरा चाइना की जो कंपनी टेंसेंट का है और उसने लॉन्च किया था। इसी कारण जो है पबजी इंडिया में बैन होने जा रहा है और 275 ऐप में पबजी भी हो सकती है। जो जून में ऐप बैन हुई थी उसी की क्लोन ऐप अभी बैन की है सरकार ने। 42-47 कुछ ऐप है तो वो लाइट में थी, जैसे टिकटॉक, टिकटॉक लाइट, तो वैसे ही ये बैन थी, तो इनको बैन किया है लाइट वाली ऐप को, एक क्लोन ऐप को बैन किया है अभी। तो 275 अभी ऐप्स रडार में है, उसमें पबजी भी है दोस्तों। तो यही मेन कारण है, मेन वजह है टेंसेंट कंपनी जो चाइना की है, इसी की वजह से इंडिया में ये बैन होगा और ज़रूर होगा। दोस्तों, चाइना से जो हमारे देश, आपको पता है कि दुश्मनी है हो रही, मतलब अनबन हो चुकी है और हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।